शुक्रवार को युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल रमन दीप कांबोज ने कार्यकर्ताओं के साथ मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस युवाओं द्वारा वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की खामियों को लेकर जमकर नारेबाजी की। काशीपुर में युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल रमन दीप कांबोज ने अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के विरुद्ध मशाल यात्रा निकाली, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच, किसानों के समर्थन में पेपर लीक घोटाले, बेरोजगारी एवं कांग्रेस नेताओं के खाते सीज किए जाने जैसे कई मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशाल यात्रा आज नफरत जो हमारे बीच में लड़ाई जा रही है उसके खिलाफ खड़ी है। जो अंकिता भंडारी जी हमारी बहन, उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अभी तक कितना टाइम हो गया, अभी तक युवा उसे खाते में पकड़ा गया, उसके खिलाफ निकाली जा रही है। ये मशाल यात्रा के रूप में भी आपको बताना चाहते हैं, कम से कम न्याय का साथ तो दीजिए। जो न्याय अंकिता भंडारी बहन को हमारे मिलना चाहिए था उसके सपोर्ट में हमें खाली और आप महिलाओं का शोषण हो रहा है। आप उत्तराखंड में रिकॉर्ड देखिए कि 800 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार के कांड इस उत्तराखंड में हुए हैं। 700 कुछ के लगभग अपहरण के कांड हमारी उत्तराखंड में हुआ है। युवा कांग्रेस ने आज ये मशाल जुलूस निकाल कर एक उत्तराखंड में ये संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तराखंड में हर कौम, हर जाति, हर धर्म समान है और अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। हत्याकांड जो अंकिता भंडारी का हुआ है उसको तुरंत वीआईपी नाम घोषित किया जाए। यहाँ पर रोजगार के स्रोत खोले जाए, यही हमारी युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का कहना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।